सो हे नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों मेरा नाम है युवराज और आप सभी का इस नए वीडियो के अंदर मैं स्वागत करता हूं। तो दोस्तों फाइनली यहां पर गेम टर्बो ऐप के अंदर फिर से एक नया अपडेट रिलीज कर दिया गया है। आपकी बात दोस्तों यहाँ पर जो गेम टर्बो का वर्जन है उसके अंदर आपको कहीं पर भी चाइनीज लैंग्वेज देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जो पहला वाला अपडेट था, नया वाला अपडेट, उसके अंदर सभी जगह पर चाइनीज लैंग्वेज लिखा था, तो ग्लोबल यूजर इसको यूज नहीं कर पा रहे थे। तो इसी वजह से दोस्तों यहाँ पर Xiaomi ने कुछ चेंजेस किए हैं और यहाँ पर जो लेटेस्ट वर्जन है गेम टर्बो का उसके अंदर आपको चाइनीज लैंग्वेज का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पर फीचर्स के अंदर कोई भी चेंज वगैरह नहीं किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारे फीचर्स आपको मिल रहे हैं, पर अभी आप इसको पढ़ सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर ये था टॉर्च का, नहीं था ये ब्राइटनेस का स्लाइडर अलग से ऐड किया गया है। साथ में दोस्तों यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस मोड करके भी देखने को मिल जाता है। अगर आप गेम्स वगैरह खेल रहे हो तो आप उसको परफॉर्मेंस में सेट कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहे तो बैलेंस मोड भी यहाँ पर सेट कर पाएंगे। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर आपको दो अलग से मोड गेम टर्बो के अंदर देखने को मिल जाएंगे। साथ में दोस्तों यहाँ पर एक्स्ट्रा फीचर की बात की जाए तो यहाँ पर टाइमर, वॉइस चेंजर एंड कॉम्बोस का जो फीचर आया था वो कुछ ही फोन के अंदर वर्क करता है, यानी कि ऑलमोस्ट यहाँ पर सभी फोन के अंदर टाइमर का फीचर तो भाई वर्क कर रहा है, तो टाइमर को आप यूज कर सकते हैं। पर वॉइस चेंजर एंड कॉम्बोस फीचर के लिए आपको थोड़ा सा और वेट करना पड़ सकता है। तो दोस्तों मेरे फोन के अंदर भी अभी तक नहीं आया है, अगर आपके फोन के अंदर आ चुका है तो आप उसको यूज कर सकते हैं, वरना आप भी मेरी तरफ थोड़ा सा वेट कर सकते हैं। साथ में दोस्तों यहाँ पर आपको एक ऐप ड्रॉअर, आप उसको बोल सकते हैं, ऐप स्लाइडर भी बोल सकते हैं। यहाँ पर साइड में आपके जितने भी ऐप आपने इंस्टॉल किए उसको क्विकली आप यहाँ से एक्सेस कर पाएंगे। तो इस तरीके से दोस्तों आपको पूरा गेम टर्बो का जो सेटअप है वो देखने को मिल जाता है। अभी दोस्तों ऐसा नहीं है कि भाई इसको इंस्टॉल करने के लिए आपको रूट या फिर अपडेट का वेट करना पड़ेगा, डायरेक्टली आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। कैसे करना है मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो भाई आपको यहाँ पर आपके ऐप से उसको क्लोज कर देना है, आपको जाना है डिस्क्रिप्शन में जाके आपको सिक्योरिटी ऐप का लेटेस्ट जो वर्जन है उसका फाइल को डाउनलोड कर लेना है। इसको डाउनलोड करने के बाद आपको सिंपली इसको इंस्टॉल कर देना है। तो दोस्तों यहां पर ये इंस्टॉल हो चुका है, अभी आपको इसको क्लोज कर देना है। अभी दोस्तों सिक्योरिटी आपको वापस से आपने ओपन करना है। अगर आप देखें तो यहां पर आपको कोई भी चेंज वगैरह देखने को नहीं मिलेगा। इवन अगर आप गेम टर्बो का ऐप है उसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर भी आपको कोई भी चेंज वगैरह देखने को नहीं मिलेगा। पर यहाँ से अगर आप कॉल ऑफ ड्यूटी या फिर कोई भी अदर गेम को ओपन करेंगे या फिर ऐप को ओपन करेंगे तो यहाँ पर जो गेम टर्बो का स्लाइडर होता है उसके अंदर आपको चेंज देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी लेटेस्ट गेम टर्बो हमारे फोन के अंदर इंस्टॉल हो चुका है और यहाँ पर आपको चाइनीज लैंग्वेज नहीं देखने को मिलेंगे, यानी कि ग्लोबल यूजर इसको यूज कर पाएंगे। तो इस तरीके से दोस्तों आप गेम टर्बो का नया वर्जन, जिसको आप गेम टर्बो 3.0 या फिर गेम टर्बो 4.0 बोल सकते हैं, उसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं अपने फोन के अंदर। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और ऐसे ही और भी नए वीडियोस के लिए आप चाहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।